हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि स्वागत करता हूँ आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, हमने ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन स्टडी के बारे में डिस्कस किया था, काफ़ी पॉइंट्स हमने देखे थे। लेकिन स्टूडेंट्स जनरली ये देखा जाता है कि जब कोई भी स्टूडेंट अगर ऑफलाइन स्टडी से डिजिटल मीडिया की तरफ या डिजिटल मीडियम के थ्रू ऑनलाइन स्टडी की तरफ प्रमोट होता है, तो उसके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं जिनका वो क्लेरिफिकेशन करना चाहता है। उन डाउट्स में से बहुत सारे कॉमन डाउट्स ऐसे हैं कि जो जो भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रही है, वो कंटेंट ऑथेंटिकेट होगा या नहीं होगा, वो कंटेंट आपको पूरा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस कंटेंट से आप सेटिस्फाई हो पाओगे, या फिर बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं लाइक ऑनलाइन फ्रॉड आजकल के ज़माने में बहुत कॉमन चीज़ है। तो स्टूडेंट्स जो भी पार्टिसिपेंट हमारे पास आते हैं, उनके पेरेंट्स या फिर उनके फ्रेंड्स वगैरह उनसे ये डिस्कस करते हैं कि क्या ये चीज़ ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। हमारे पास जिन भी स्टूडेंट्स के फीडबैक्स आते हैं, उनमें यही चीज़ें सबसे कॉमन पूछी जाती है कि सर आप हमें कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो हमारे पास हमें पर्सनली विजिट करते हैं, हमारे ऑफिस पे आके हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिस देख के जाते हैं, हमारे पहले डेमो वीडियोस देखते हैं, हमारी फैकल्टीज से मिलते हैं, उसके बाद इस कंटेंट को लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ स्टूडेंट, जैसे आपने हमारे पिछले वीडियो में भी देखा था कि बठिंडा से गुरप्यार सिंह जी आए थे, इस वीडियो में हमारे पास संगरिया तहसील डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ से हुट्टा सिंह जी आए हैं। तो मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके मन में भी कुछ ऐसी इंक्वायरीज थी, प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या ये चीज़ है कि मैं घर बैठा स्टडी कर पाऊँ इतने अच्छे कंटेंट से, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें थी। तो मैं ये चाहूँगा कि ये आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपनी बातों को शेयर करें कि इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, ये हमारे ऑफिस पे आए, इनको क्या चीज़ें देखने को मिली, कैसा इन्होंने फील किया, और अब ये कंटेंट लेकर जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं आगे हैंड ओवर करता हूँ मिस्टर भुट्टा सिंह जी को, और रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भुट्टा सिंह। मैं राजस्थान हनुमानगढ़ का रहने वाला हूँ। मैंने आईटीआई की हुई है, गवर्नमेंट कॉलेज हनुमानगढ़ जंक्शन। तो मैं रेगुलर स्टडी कर रहा था श्रीगंगानगर में, तो मैंने इनका वीडियो देखा। तो मेरे मन में डाउट थे कि ये ऑनलाइन वीडियो वगैरह भेजते हैं, तो उससे स्टूडेंट स्टूडेंट का एक अच्छा माध्यम बन जाता है पढ़ाई का, तो स्टडी पे अपना फोकस कर सकता है। जब मैंने इनका वीडियो देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जो ऑनलाइन चीज़ें जो प्रोवाइड करवा रहे हैं ये सही है या नहीं है। मुझे भी डाउट थे, मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस की, लेकिन उन्होंने बोला कि ये फ्रॉड हो सकता है, ऐसे वैसे बहुत कुछ बोला, मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला। लेकिन मैंने फिर सोचा कि यहाँ पे आके देखता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता, जाने से डर दूर हो जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया। तो मैंने भी इनका वीडियो देखा और मैंने सोचा कि अपनी शंका दूर करूँ कि इनके पास जाऊँ, और मैं इनके स्टूडियो में आया। मैंने देखा, इन्होंने मुझे वीडियो दिखाए, डेमो दिए, अपना स्टूडियो दिखाया, और मैंने देखा और परखा, और मैंने सोचा, डिसीजन लिया कि हाँ, मैं भी ये वीडियो चूज़ करूँ और लेकर जाऊँ, और मैं भी रेगुलरली स्टडी करूँ, घर बैठ के स्टडी कर सकता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो पैसों की वजह से स्टडी नहीं कर सकते, वो घर पे बैठे रहते हैं, तैयारी से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा माध्यम है, उनको इस पे फोकस करना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पे इनसे आके मिलें, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। यहाँ पे आओगे, इनके स्टूडियो में आप आओगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको फील होगा कि हाँ, हम सही लाइन में जा रहे हैं। यहाँ पे आके मैंने इनका स्टडी मटेरियल देखा और इनके वीडियोस देखे, और मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गया, और मैं चाहता हूँ कि आप भी ये शंका दूर करें और यहाँ पे आएं, इनके वीडियो देखें, इनका स्टूडियो देखें, फिर आप कोई निर्णय लें। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये सबसे बेस्ट माध्यम है आपके लिए। मैंने पेन ड्राइव लेके आया था मैं साथ में, तो इनसे मैंने डेटा डलवा लिया और इनकी बुक्स वगैरह ली। यहाँ पे बैठ के मैंने वीडियो भी देखे इनके, 2-3 घंटे मैंने वीडियो देखे, और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि हाँ, ये एक अच्छा माध्यम है पढ़ाई करने का। अगर इंसान घर बैठ के स्टडी करना चाहता है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा माध्यम है। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो यहाँ आके देखें, इनके स्टूडियो में आएँ। इनका कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर इनके वीडियो पे है, इनका वीडियो लिंक है थ्योरी टू प्रैक्टिकल, यूट्यूब पे आप सर्च करके देखें थ्योरी टू प्रैक्टिकल, आपको इनके बहुत सारे वीडियो दिखेंगे, उसमें इनका व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ के इनसे मिल भी सकते हैं, तो आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। मेरे सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की, आप घर बैठ के रेगुलरली स्टडी कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
स्टूडेंट्स, ये थे बुट्टा सिंह जी जो संगरिया हनुमानगढ़ से थे। ये हमारी वीडियो में आए, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जैसे कि आपके साथ। और स्टूडेंट्स, मैं ये आप सबसे क्लियर करना चाहूँगा कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें मैं ये बता दूँ कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का पेड मीडिया में एडवर्टीजमेंट करना या फिर न्यूज़पेपर्स वगैरह में एडवर्टीजमेंट करने से बेटर ये होता है कि जेन्युइन जो जो फीडबैक आते हैं स्टूडेंट्स के, जैसे हमारे पास पहले गुरप्यार सिंह जी आए थे, अब ये बुट्टा सिंह जी आए हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे स्टूडियोज़ पे आते रहते हैं। जो ये आप हमारे वीडियोस देखते हैं ये एडवर्टीजमेंट का पार्ट नहीं है स्टूडेंट्स, ये एक जेन्युइन फीडबैक है जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो विजिट हो रहा है वो फीडबैक आप तक पहुंचाया जा रहा है कि ये जनरली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स के मन में कौन से डाउट आते हैं और किस तरीके की स्टूडेंट्स के मन में आशंकाएं होती है और वो दूर किस तरीके से की जा सकती हैं। इन सब कोशिशों में आप हमारा साथ दीजिए। जनरली जैसे ये स्टूडेंट्स हमारे ऑफिस तक आए हैं, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स रखी तो हम इनको सॉल्यूशंस दे पाए। अगर स्टूडेंट्स आपके मन में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम हमारे सामने लाएँ, हमारे व्हाट्सअप नंबर जो 8003378523 है या फिर हमारी ईमेल theory2practical@gmail.com पे। कोई अगर आपका कोई भी इशू है, कोई भी डिस्कशन है, आपको शेयर करना है तो आप हमसे शेयर करें। हमारा जो भी बेस्ट हमारा जो एफर्ट रहेगा उस चीज़ को सॉल्व करने में हम आपको वो प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन में जितने भी फायदे होते हैं वो हमने आपको डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सिर्फ एक बार वो वीडियो जाके देखें। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे उस वीडियो में जो हमने चीज़ें शेयर की थी आपसे कि जो ट्रेडिशनल पेन पेपर मेथड चला रहा है उसके कंपेरेटिवली आप जो ये ऑनलाइन मीडिया है, ऑनलाइन मीडियम है, उसके थ्रू आप कैसे पढ़ सकते हैं, तो एक बार वो ज़रूर जाके देखें। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ हमारा ये मोटो था कि जो चीज़ आप तक पहुँचे वो आप तक पहुँची होगी। और स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमारे दी गई इन्फॉर्मेशन पे शेयर कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल जो हमारा बेस्ट एफर्ट रहेगा उस चीज़ को क्लियर करने में वो हम आपको देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।